क्रिकेट से क्रिकेट तक पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फराज, मेरे साथ मौजूद है भारी दिल और टूटे हुए दिल के साथ सऊद, जो के अब पाकिस्तान के बाहर होने के कगार पे आ गया है ऑलमोस्ट जिम्बाब्वे से हारने के बाद। इस हवाले से आज के मैच का पोस्टमार्टम करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की वजूहत थी हारने की और हमारे दिल टूटने की। उससे पहले क्रिकेट से क्रिकेट तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जैसी वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। देखोगे तो जरूर यार। अबे सऊद, तुम्हारी तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी, बस यार वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। जो आज पाकिस्तान ने किया है वो हमने कभी नहीं सोचा था। ऐसी पुअर क्रिकेट खेलेंगे, ऐसी बेकार बैटिंग करेंगे। ये मिडल ऑर्डर है देख लो, ये टॉप ऑर्डर है, नहीं चला। अभी तो तीन दिन पहले का सदमे से बाहर निकले नहीं थे, एक और सदमा मिल गया है। अब ये सदमा संडे तक और पता नहीं वर्ल्ड कप के एंड होने तक के हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाबर आजम साहब को उनकी दोस्तियां मुबारक, बाबर आजम साहब को उनकी अनाय मुबारक, बाबर आजम साहब को ये पोअर कैप्टनसी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे दिल टूटते हैं तो टूटते रहे, हम रोते हैं तो रोते रहे। उनको सिर्फ दोस्तियां निभानी है अपनी, बस उनको बस भारी अमाउंट चाहिए, 25-25 लाख रुपए महीने की तनख्वाह चाहिए। सिकलैंड मुश्ताक को 4 करोड़ रुपए साल के चाहिए, बस हम हमारा दिल कूट कूट के मरता है, मरे तो मरे बस। हाँ, आवाम से कोई लगाव नहीं है भाई, लगाव नहीं है, बस अपनी दोस्तियां और अनाओं से मतलब बस इनसे। वही क्या बोले यार, अभी दो दिन से यहाँ बोले जा रहे हैं वीडियो में कि हैदर अली को ड्रॉप करें, आसिफ अली को ड्रॉप नहीं करना, उसने प्रूफ किया हुआ है, उसने प्रूफ किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है, लेकिन नहीं, आसिफ अली को ड्रॉप कर दिया और आसिफ अली की जगह जो बैटिंग कर रहे थे वो कर रहे थे माशाल्लाह से हमारे वसीम जूनियर साहब, जो हर बॉल पे हिट कर रहे थे, बॉल उनके सर के ऊपर से जा रही थी, लग ही नहीं रहा था, एक ही चौका लगा था बस, वो भी गलती से लग गया था। बहुत बड़ा आज का डिजास्टर था पाकिस्तान के फैंस के लिए, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था जो बात है। जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, पावर प्ले से पहली बॉल से पहले ओवर से उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली अपनी, पावर प्ले में जो अटैक किया है ना, 48 या 50 रन बनाए थे उन्होंने। बस अब हम इसी चीज पे आ गए, अगर मगर अब हम बोलेंगे कि इंडिया उसको हरा दे, ये उसको हरा दे, अब वो उसको हरा दे, हम पहुंच जाए। देखो पिछले साल वाला हो गया जो इंडिया के साथ हुआ था ना, वो हमारे साथ हो गया, लेकिन इंडिया ने बैक कर लिया था, हम तो बैक भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते कमबैक, जो बात है, क्योंकि हम छोटी टीमों के खिलाफ जो टीम होती है उससे ज्यादा गंदी क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, जो कि इसका सबूत आज हमने देख दिया है भाई, देख लिया है। इससे पहले सीरीज चल रही थी, 112 रन का टारगेट दिया था जिम्बाब्वे, 99 पे ऑल आउट हो गए थे ये। जिम्बाब्वे भाई इंडिया थोड़ी है सामने, अगर जिम्बाब्वे ने हमसे ज्यादा अच्छा खेला पावर प्ले तो बोल तो रहा हूँ 48 रन बनाए। देखो हमारे दोनों वर्ल्ड के नंबर वन ओपनर है जो कि 32 रन बनाते हैं पावर प्ले में, 29 रन बनाते हैं। जिम्बाब्वे ने 3 ओवर में बैटिंग करते हुए 130 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे। टॉप स्कोर थे उनकी तरफ से शॉन विलियम्स और पाकिस्तान की तरफ से टॉप विकेट टेकर थे मोहम्मद वसीम जूनियर, जिन्होंने 4 ओवर में 24 रन देके 4 खिलाड़ी को आउट किया। शादाब ने 23 रन देके 3 को आउट किया। हारिस ऑफ ने 12 में 1 को आउट किया, जिसमें कि हारिस ऑफ की बॉल पे कैच। यार आपने फील्डिंग इतनी खराब करी है, 2 या 3 कैच छोड़े वरना 130 भी नहीं बनता आपका स्कोर। साउथ फील्डिंग आपकी अच्छी नहीं है, बैटिंग अच्छी नहीं है, मिडल ऑर्डर अच्छा नहीं है, यार कब करोगे परफॉर्मेंस? वर्ल्ड कप के बाद नहीं चाहिए हमें आपकी परफॉर्मेंस। लिटरली यकीन करें इस वक्त ऐसा दिल हो रहा है, रोने को दिल हो रहा है और आंसू नहीं निकलने, अंदर ही कुट कुट के अपने मुल्क के लिए रोने का दिल कर रहा है, इनके लिए नहीं। बहुत हमने यार बोल दिया तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, नहीं है यार, बस अपने मुल्क से प्यार है, हमारे गले फिट हो गया है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, पर फैंस की तकलीफ का इनको अंदाजा नहीं है। और रमीज राजा साहब शेम ऑन यू, जो आप कह रहे थे पूरी हमारा पूरा मीडिया बात कर रहा था, सोशल मीडिया बात कर रहा था कि आजम को लाओ, शुएब को लाओ, शर्जील को लाओ, आप ऊपर से आके ढटाई के साथ ये जवाब देते थे कि नहीं ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है, यही टीम हमें जितवाएगी। कैसा जितवा रही है कि वर्ल्ड कप के शुरू के 2 मैचों में हम वर्ल्ड कप से बाहर होने के साथ हार गए यार, उससे ये चैंपियन टीम है आपकी, चैंपियन टीम देखो आप अपनी, बस ये आपकी चैंपियन टीम, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। आप ये बात तो क्लियर है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाता, बस रमीज राजा ओहदे से साफ है। मैं तो साफ सी बात है, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बाहर होता है सेमीफाइनल खेले बगैर तो लिटरली रमीज राजा को खुद सेक हो जाना चाहिए, खुद रिटायर इस्तीफा दे के जाना चाहिए और बाबर आजम को भी कप्तानी से हटाना चाहिए। बाबर आजम की
नो डाउट बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, हम उनकी बैटिंग पे कोई सवाल नहीं उठाते, आउट हो जाते बैटिंग पे बहुत अच्छे है, वर्ल्ड क्लास है यार, वर्ल्ड क्लास है बैटिंग पे नहीं। कप्तानी में वो जो पर्चे में बाहर से लिख के लेकर आते ना वही ग्राउंड में अप्लाई करते हैं, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम को नुकसान होता है। बहुत दिल टूटा हुआ है, कहने को तो बहुत कुछ है पर हमारी जबान से ऐसा कुछ ना निकले कि वॉयलेशन हो, पब्लिक फिगर है ये, ठीक है बिल्कुल, बस चाहेंगे कि पाकिस्तान अभी भी चांस है, ट्रू लवर है ना क्रिकेट, वही बात टीम है हमारी, हम भूल जाएंगे चांस, पर जब मैच होगा ना परसों संडे वाले दिन नेदरलैंड से, हम अपनी टीम को वैसे ही बैक कर रहे होंगे, इंडिया जब मैच खेल रहा होगा हम इंडिया को बैक कर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया जीतेगा तो हमारे चांस होंगे होंगे, जाहिर सी बात है, गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जिम्बाब्वे को भी दो मैच हारना जरूरी है, एक इंडिया से, एक बांग्लादेश से और एक नेदरलैंड से, और दो मैच उनके हल्के हैं बांग्लादेश और नेदरलैंड, तो यही तो बोल रहा हूं, अगर उन दोनों से जीता तो सीधा जाएगा सेमीफाइनल में जिम्बाब्वे, हकीकत बात है, ठीक है। इंडिया तो देखो, इंडिया तो ऐसी क्रिकेट नहीं खेलता हमारी तरह, इंडिया तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, वन साइड मारेगा, यही तो घंटे लगाएगा, बस दुआ है कि अफ्रीका को इंडिया हराए ताकि हमारे चांसेस अलाइव रह सके, फिर हमारी वही रिवायत शुरू हो गई है, ये उसको हरा दे तो हम पहुंच जाए अगर मगर, क्या कह सकते हैं, बहुत ही ब्लंडर और दिल टूटने वाला मैच था आज का, अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि हम एक रन से मैच हारे हैं, एक रन से। शाहीन शाह अफरीदी यार, आपने शॉट मारा, भाग तो लो, आपसे भागा ही नहीं जा रहा, बॉल लगी भी नहीं, छोड़, सेकंड टाइम मारी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखना ये हैदर अली को ड्रॉप करेंगे, आसिफ अली को वापस लाएंगे, क्या फायदा, अब इनको समझ में आ गई, अब इनको समझ में आ गई कि जो ये जब नुकसान कर लेते हैं, गलती खा लेते हैं, चोट खा लेते हैं, तब समझते हैं, और उससे पहले जो लोग इनको समझा रहे होते हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं समझते उनकी बात को। अब देखना ये हैदर अली को बाहर करेंगे, आसिफ अली को लेकर आएंगे, क्या फायदा, कोई फायदा है, कोई फायदा तो आप दूसरे के बलबूते पे चल लो, अब अगर मगर दूसरे आप इंडिया के बलबूते पे चल लो, याद है ना 2019 में साउथ अफ्रीका यही हो रहा था ना, साउथ अफ्रीका का मैच अबैंडन होने के बाद हम खुश थे कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में आ गई, पर हमें क्या पता कि हमारी टीम इतना गंदी क्रिकेट खेले, दोबारा साउथ अफ्रीका के और इंडिया के हाथ में दे देगी। अब तो जिम्बाब्वे भी कूद पड़ी है बीच में, यार मुझे शान मसूद की इनिंग बहुत ज्यादा सेल्फिश लगी, फखर जमान हमारे पास बैठा हुआ है, हम शान मसूद को खिला रहे हैं, पिछली वीडियो में भी हमने बात की कि मैं शान मसूद और फखर जमान में से एक को चूज करना पड़े, मैं हजार बार फखर जमान को चूज करूंगा, हजार बार वन डे पे आउट हो उसी को चूज करेंगे, उसी को चूज करेंगे भाई, वो अपने बेटर डे पे वन हैंडेड अपने आपको मैच जितवा देगा, और शान बात मसूद है। का बेटर और अच्छा दिन होगा ना, वो ये इनिंग खेलेगा 38 बॉलों पे 44 खेलेगा, और नवाज ने हमें इंडिया के खिलाफ भी मैच हरवाया और आज भी मैच हरवाया, नवाज ने 18 बॉलों पे 22 बनाया और वो उस वक्त आउट हुए जब 3 बॉलों पे 3 चाहिए थे, एक बॉल डॉट खेली और अगली बॉल पे आउट हो गए, आउट हो गए यार, आपने डॉट करी तो आपका फर्ज था कि आप जितवा के जाओ, यार वसीम जूनियर ने 14 बॉले खेली 11 रन बनाए, हम वसीम जूनियर को नहीं बोल सकते, देखो वही आसिफ अली होते, हैदर अली को ड्रॉप किया होता, आसिफ अली खेल रहे होते और हैदर अली की जगह वसीम जूनियर को डाला होता, यहाँ पे वसीम जूनियर की जगह आसिफ अली बैटिंग कर रहे होते, वो एक आधा छक्का जरूर मारते, और वो जो छक्का मारते जितनी बॉले जूनियर ने खेली है ना 15 बॉले, वो 15 बॉले खेलते मैच खत्म हो जाता, कब का 2 आवर पहले खत्म हो जाता आपका मैच, पुअर टीम सिलेक्शन, पुअर कप्तानी, डिफेंसिव अप्रोच, दोस्ती यारी, बस सिर्फ दोस्ती यारी, बस, और पाकिस्तानी फैंस का दिल तोड़ दिया, तोड़ते रहेंगे, ये सेमीफाइनल में तोड़ा, एशिया कप के फाइनल में तोड़ा, कितने फाइनलों में तोड़ोगे, वर्ल्ड कप में आपने हमें ब्रोकन हार्ट किया यार, ये तो सबसे बड़ा मसला ये 22 करोड़ आवाम बोलती है फिर भी इनको समझ में नहीं आता, नहीं आना बाजियां करते हैं यार, टीम बनना चाहिए आवाम के उस पे, बस चले इजाजत लेते हैं, बोला नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह थोड़ा सा सबर आ जाए, फिर डिटेल एनालिसिस करेंगे, तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ कॉन्फिडेंस शेक हुआ, लिटरली अभी बोला नहीं जा रहा है, हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, क्रिकेट से क्रिकेट तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे हम वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, अल्लाह हाफिज़, इस भारी दिल के साथ और टूटे हुए दिल के साथ हमें अल्लाह हाफिज़।